मिर्जापुर जंगल में रहते हैं, मरिहान के जंगल में हम लोग आए हैं। वहाँ से रेंजर फॉरेस्टर हम लोग का मरे ही उजाड़ देता है। प्रधानमंत्री मोदी रहे, हम लोग को क्या तकलीफ है? हम लोग जंगल विभाग का मनई है, हम लोग का जमीन चाहिए और हम लोग के पट्टा चाहिए। जनता प्यार करती है, मशीन प्यार करती है। जंगलों में उनका घर जो है ढहा जाया है बुलडोजर द्वारा, उसको रोकी जाए। उससे दुष्ट आदमी तो कोई है ही नहीं धरती पर। प्रधानमंत्री आया जो है कि अथवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तमाम प्रकार की तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो है कि घटती जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। जो राम मंदिर से क्या अब हमारे बच्चे पढ़ लेंगे? हिंदू राष्ट्र दिया, हिंदू राष्ट्र से हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? 5 किलो अनाज दिया, 5 किलो अनाज अपने घर से दे रहा है आदित्यनाथ को, 0 पर रखेंगे। किसान यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सारे लोग जो है किसान रैली में यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं मिर्जापुर से कुछ महिलाएं हैं और इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये क्यों आई है, क्योंकि मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सरकार ने आपकी मांगे तो मान ली है, अब क्यों यहाँ पे आई है? हम लोग यहीं आए कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? जो अनाज मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, वह में कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? देते हैं 10 किलो बनाकर, ठहरता है 5 किलो, यही मिलता है हम लोग। अनाज मिल रहा है? अनाज तो कहाँ मिला था यार, अनाज मिल रहा है? मिले बहुत कम मिले, 5 किलो मिले क्या, 4 किलो मिलते हैं, कम कर देते हैं आटा पर। परिवार कितना खाएंगे, 5 किलो में चल रहा है हमारा। बोल रही है 5 किलो राशन देंगे तो 5 परिवार हम लोग हैं तो उतने में खर्चा चलेगा, वही में 12 टिफिन। अभी यहाँ पे आप लोग राशन के मांग के लिए आए? हाँ मांग रहे, किसान के लिए आए, किसान कुछ के लिए मांगने आए। क्या 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 मांगने आए? खेत में मांगने आए हैं। सरकार तो अच्छा काम कर रही है? कुछ नहीं अच्छा काम कर रही है, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के लिए काम नरेगा उड़ेगा सब चला रही है। बोलिए बोलिए। खेत में बसे हैं वो भी से उजाड़ जाते हैं, गरीबों को हम लोग कुछ नहीं है, जंगल में है तो उसी से तो भगा। क्या बोल रही है, जंगल झाड़ी? हाँ जंगल में बसे हैं तो उसी जंगल से तो भगा देते हैं, अब जाए कहाँ हम लोग को खेत का कौन भगा दे, कौन भगा देता है? सरकार भगाता है। क्या बोलता है? कहता है कि भगो, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा जंगल है। तो कहाँ रहती है, कहाँ रहे, वो जंगल में रहते हैं, मड़ई कूढ़ा बनाते हैं, फूक देते हैं, गिरा देते हैं, इस बीच से तो कहाँ जाएगा, कुछ भी हम लोग के नहीं है। तो वहाँ पे किसकी सरकार है, योगी की? तब वोगी न है, वोगी यहाँ से करत हुए तब हम लोग के यहाँ से देश देश वहाँ गिरता। नहीं, किसकी सरकार है, योगी जी की सरकार? योगी, हाँ। योगी तो अच्छा काम करे, संत महात्मा, संत महात्मा तो हम लोग यहाँ आते हैं, अच्छा जो करते हैं तो यहाँ आते हैं। क्या बोल रही है? जेकर अंगूठा लगती है ते राशन पलती है, जेकर नहीं लगती है तो खाए बिना मरती है। योगी जी की जो सरकार बिना एक बात, अरे एक बात क्या है, क्या है? जैसे हमारा ये काम है कि हमारे देश में मिर्जापुर जिले में देहात में हम लोग के घर है, पानी हुआ नहीं है पहाड़ी पर, पहले हमको साधन है पानी, मोदी से लेना चाहते हैं, हमारे देश में काम नहीं है, हमारे देश के बच्चे जाते हैं देश परदेश में कमाने, वहाँ पर बद्ध होने जा रहे हैं। हमारे देश 5 किलो चावल में हमारा बच्चे पढ़ पाएंगे? 5 किलो चावल में राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर नहीं, हम राम मंदिर हमारा पेट भरेगा? हाँ राम मंदिर हम लोग नहीं है, हमको जमीनी है कि हमारे जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? कहिया हिंदू राष्ट्र? हिंदू राज चाहिए, बाकी हमको वो राज चाहिए कि जो दुनिया के लिए कुर्बान होता है, मसीहा होता है, वो राज चाहिए जो दुनिया के लिए बध नहीं हुए हैं, जैसे बाबा साहब हैं, उसका वो दुनिया के लिए बध हुए हैं, उसको हम भगवान मानते हैं। बाबा साहब को भगवान मानती है? हाँ हाँ, मैंने उसके में रहते हैं जुड़ा, रामो मंदिर में जुड़ा, मैं सब धर्म में रहते हैं, बाकी हमारा ये राम को नहीं मानती है के? मानते राम हैं को मानती है कि नहीं? मानते हैं। तो हिंदू राष्ट्र भी चाहिए आप लोग, राम मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, आपको सरकार क्या क्या दे? अच्छा सुनिए, हम कोई भगवान के मानेंगे, हमारा पेट भरेगा जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे? 5 किलो राशन तो मिल
और 5 किलो राशन हमारा पेट चलाएगा, हमारा बच्चों को पढ़ाई होगा, शादी विवाह हो जाएगा, महिलाएं सुरक्षित, हमारे देश में काम नहीं है। महिला बस्ती जो बनी है 40-50 साल का, नरेगा का काम तो मिल ना, वो भी काम नहीं है, कुछ नहीं, प्रधान के बजट में है नहीं तो प्रधान देगा कैसे। तो योगी सरकार जो है बहुत अच्छा काम करी है, हमारे हमारे नगर से, हमारे नजर से तो सुने, हमारे नजर से मायावती के जमाने में नहर खोदे गई, उसमें हमने टोकरी जी का जिया, लेकिन आप ही लोग ने योगी को जिताया। मायावती के जमाने में लाइन पाया था, मायावती को, मायावती के जमाने में कॉलोनी पाया था, और इसके जमाने में गैस पाया हूँ, अब 12,000-1200 रुपया महीने जाती है। अरे तो योगी जी को आप ही लोग सरकार बनाई है ना, तो हम कहा जाने को गाला घोटेंगे, आप मायावती की सरकार बनाएंगी। हम लोग की चाहिए कि हम लोग जंगल विभाग का मनई है, हम लोग का जमीन चाहिए और हम लोग के पट्टा चाहिए। आपने बोला मायावती, मायावती को तो आप ही लोग ने हराया भाई, मायावती को तो हम तो ये सरकार के सोचा के अच्छे सरकार बनेंगे, हम लोग को संभालेंगे भाई, हम का जाने के हम लोग को नहीं संभाल। अब क्या करेंगी, 2024 में फिर से चुनाव होने वाला है, अब किसकी सरकार आएगी? हमारा तो विचार है कि हम सरकार बनाए मायावती को। हम लोग का जब पट्टा मिलेगा तब हम लोग जाएंगे। आदिवासी के पट्टा मोदी जी दे हैं, बाद में 2024 में वोट लेंगे हम, तब का यह कह बदे आ ले जा के आदिवासी के भगावा मत, ओके जवन जहाँ हो जंगल कट ले है ओके पट्टा करा। आप लोग आदिवासी? हाँ आदिवासी हैं, मिर्जापुर जंगल में रहते हैं, मरिहान के जंगल में हम लोग आए हैं, वहाँ से रेंजर फॉरेस्टर हम लोग कमरे ही उजाड़ देता है, प्रधानमंत्री मोदी रहे हम लोग के क्या तकलीफ है। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि हम लोग आदिवासी के लिए, दलित के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं, करते तो हम लोग को पट्टा दे, तो अब तो हम जाने हम लोग को खेत दे पहले। तकलीफ जो हो रही है फिर भी प्रधानमंत्री कैसे जीत रहे हैं बार बार? अब जीत रहे हैं, जिताई रहे हैं लोग, आप लोग अभी 2024 में भी जिताएंगे? अब जिताएंगे, हमको पट्टा देंगे तो जिताएंगे, नहीं नहीं जिताएंगे, तो नहीं जिताएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, जंगल में आए हैं, कोई हमारे पास कुछ नहीं है। महिलाओं को नरेगा तो मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे आप लोग जितने भारी तादाद? क्या करेंगे अब आगे, क्या करेंगे? वही में जंगल काटेंगे, हाँ क्या वो खेत बोएंगे, अनाज पैदा, गेहूं धान चना मटर पैदा करेंगे, खाएंगे उससे। वही में चावल मिलता है तो प्लास्टिक मिला के मिलता है, प्लास्टिक मिला, हाँ प्लास्टिक मिला के मिलता है, इतने बड़े बच्चों जाते हैं खाते हैं, इतना का चावल खाते हैं, तो 5 किलो में 10 जकड़े जब परिवार है तो 5 किलो में बाटी। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश, भारत से। इन लोग को देखिए कि ये लोग कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की, ये लोग मिर्जापुर से हैं और इन लोग को, ये लोग आदिवासी कम्युनिटी से हैं और इन लोगों को जो है चावल में प्लास्टिक मिला के दिया जाता है, प्लास्टिक मिला के दिया, प्लास्टिक मिला के दिया, प्लास्टिक, प्लास्टिक मिलता है, इससे तो बच्चे बीमार होते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए बीमार हो जाते हैं, खाते हैं प्लास्टिक, खा देंगे नहीं बीमार होंगे। आप लोगों ने हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गांव में जंगलों में जो घर है बसे हुए हैं धुआ पर जंगलों में, उनका घर जो है ढहा जा है बुलडोजर द्वारा, उसको रोकी जाए, नहीं तो बड़ी भारी धुआ होगी, उसी के सदमे से हम लोग यहां आए हैं। योगी की सरकार तो अच्छा काम कर रही है, उनको बुलडोजर बाबा, योगी की सरकार देश को भगा रही है, उजा रही है, मार रही है, दे रहा है चावल, दे रहा है वही प्लास्टिक के चावल दे रहा है, दे रहा है, अभी बढ़िया काम करता है। योगी जी तो शांत आदमी है, शांत आदमी, सत्य आदमी है, एक ऐसे सत्य आदमी आपने जान गए कि सत्य आदमी है, उससे उससे दुष्ट आदमी तो कोई है ही नहीं धरती पर। किससे? वही प्रधानमंत्री आया जो है कि अथवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तमाम प्रकार की तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो है कि घटती जा रही है, कोई सुनवाई नहीं होता है, जो एक हिस्सा जमीन नहीं है जो अथवा भीड़ पर बसा हुआ है पोखर वाली जमीन पर बसा है, जगह नहीं है, उसका घर गिराया जा रहा है पोखर भीड़ पर से, कैसे 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 जी वो जाएंगे, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है आज तक, एक किसान है, एक जो मजदूर कैसे बार बार कैसे जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, सारी उनकी व्यवस्था, जनता प्रेम करती है, जनता प्यार करती है, ऐसे कैसे मैं मान लूं, जनता प्यार करती है कि मशीन प्यार करती है, हाँ मशीन प्यार करती है, जनता नहीं प्यार करती है, इतना जनता नहीं आता यहाँ, मशीन प्यार ठिकान नहीं है, हम लोग को गांव में ठिकान नहीं है, भाग के चले गए जंगल में, जंगल बोलिए। हमारे यहाँ जो हाल है, जो मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, वहाँ जो
जो चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र जो इलाका है वहाँ पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, कुछ ऐसे यहाँ मजदूर आदिवासी हैं जो जंगल के किनारे खेती करते हैं, और जो ये योगी सरकार वहाँ जनता से प्यार क्या करती है, वहाँ जो है वो जमीन को छीन के बाबाओं को और वहाँ के कॉर्पोरेटों को, राम मंदिर भी तो दिया आप लोगों को, राम मंदिर से क्या हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, हिंदू राष्ट्र दिया, हिंदू राष्ट्र से हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, 5 किलो अनाज दिया, 5 किलो अनाज अपने घर से दे रहा है, जो गैस सिलेंडर 400 मिलता था, जो गैस राशन मिल रहा है, जो गैस सिलेंडर 400 मिलता था वो 8 साल में, वो 8 साल में इनकी सरकार में, मोदी की सरकार में 800 बढ़ा है, 1200 हो गया, 100 रुपया प्रति वर्ष के रेट से बढ़ाए, हम अनाज कितने के देती है, और महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, जो यूपी की में हाल हुआ है, यूपी में हाथरस जैसे कांड और तमाम जैसे कांड, मिर्जापुर में बलात्कार, महिला का अपहरण, हत्या, बच्चों का अपहरण, महिला कहाँ सुरक्षित है, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सैकड़ों रिकॉर्ड है, आए दिन महिलाओं का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आए दिन पेपर उठा के देखिए तो जो अपराध महिलाओं पे बढ़ गए हैं, सुरक्षित नहीं है बल्कि बढ़ गए हैं हमारे यूपी में, क्या करेंगे ये अगला कदम क्या होगा, अगला कदम होगा हम उनके विरोध में खड़े हैं, उनके उनके पक्ष में नहीं है, जो खेत मजदूर है, किसान सभा है, लेकिन बीजेपी की सरकार, अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आएगी तो बीजेपी की सरकार ही आएगी, आपने देखा कि सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, ये इसी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इतने छोटे से आपत्ति लगने पर, उनको बोलने पर, मान हानि के दावा करने पर इतना बड़ा कोर्ट फैसला सुना देगा, ये तो योगी और मोदी, ये जो सरकार है, ये जो गुजरात की सरकार है, उसके दबाव में ये उनके ऊपर जो उनको जो अब जो है, आप लोगों को राम मंदिर भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, 5 किलो अनाज भी चाहिए, वो चाहिए वो तो हमसे तो ज्यादा ले रही है, 5 किलो अनाज भी रोडवेज का भाड़ा, लेकिन योगी जी शांत आदमी है, वो गरीबों के लिए काम कर, वो कहते भर है गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, 24 रुपए, 24 क्या करेंगे अब आप इस बार, क्या करेंगे आखिरी सवाल, क्या करेंगे हम, वोट की चोट देंगे, वोट की चोट देंगे उनको, वोट की चोट देंगे 2024 में, क्या करेंगे जीरो पर उनको रखेंगे, आदित्यनाथ को जीरो पर रखेंगे, देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं, ये सारे जो है आदिवासी कम्युनिटी से हैं, इधर महिलाएं भी हैं, और ये सब कह रहे हैं कि हम लोगों का घर उजाड़ दिया जाता है, इन लोगों को खेती करने के लिए जमीन नहीं है, 5 किलो अनाज भी जो देते हैं उसमें प्लास्टिक मिला के देते हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, यूपी के रामराज की ये सच्चाई है, आप लोग ये लोग गरीब लोग हैं और ये लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो है हमें दिया जा रहा है अनाज में, और वो जो राजनीति कर रही है उसे धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में वोट की चोट देंगे और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे, आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, धन्यवाद।